हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया और फर्स्ट क्लास? चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अपने सफ़र के ऊपर और अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, क्या आप लोगों को कुछ याद है? कॉन्ट्रैक्ट में यस, अच्छे से पता होगा, आप अच्छे से पढ़ लिए हैं क्लासेस को। चलिए, अग्रीमेंट पढ़ चुके हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फिर पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी, फिर उसके बाद पढ़ चुके हैं इजेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस चाहिए। केस लॉ बताया था बच्चों, केस लॉ का नाम क्या है? बेलफोर वर्सेस बेलफोर। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में केवल केस लॉ ही लिखना है, आपको उसी कोई डिटेल नहीं देनी है। क्लियर? मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग होना चाहिए। यस, क्लियर? और वैसा नहीं होना चाहिए कैसा चांदी तारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोरल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, और लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप लोगों के दिमाग में फिट हो गया होगा बच्चों। आप लोगों का मैं छोटी सी बात और एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट यूनिट, वैसे आप लोग रेडी रहिएगा, हम टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं ईच एंड एवरी चैप्टर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो जाती है, सो दैट बच्चे भी समझ जाते हैं कि अभी उन्हें कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या पढ़ा हुआ जितना उतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, बस आप लोगों को सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं करना है। आज कुछ मैं आपको बातें पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे हमें पढ़ना होता है। अभी तक तो आपने सिर्फ सुना है, लेक्चर लिया है, देखा है, उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ाई भी करना है साथ साथ में। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने और पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। पहले पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या? जिसमें सारे इजेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, क्या होने चाहिए? यस, जो भी हमने पढ़ा अभी सेक्शन 10 और सेक्शन 10 के अलावा भी जो है, वो सारे के सारे इजेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, टू पार्टीज होने चाहिए। जस्ट वी हैव डन दैट। क्लियर? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, जितने भी थे सारे के सारे इजेंशियल एलिमेंट्स होंगे तो यस दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस? अच्छे से याद होगा, वॉइड एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बेकार है, जीरो है, निल है, शून्य है, जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जो पहले तो वैलिड थे लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी, आज उनको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देन दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड फेमस लाइन, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। क्या कहता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिस समय लॉ मना कर दे कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता, मतलब इसकी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, है ना, अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल है, लेटेस्ट क्या किया था? यस बिल्कुल, एक लाइव कॉन्सर्ट में उनको जाना था लेकिन थ्रोट चोक हो गया और वो नहीं जा पाए, एकदम एट ए मोमेंट ही कुडंट गो देयर। तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब पहले तो वो वैलिड था लेकिन अब उसी को वैलिडिटी नहीं रही। नेक्स्ट बताया था एग्जाम्पल में, मिस्टर राम ने बुक राइट करनी थी मिस्टर पब्लिशर के लिए, लेकिन मिस्टर राम भगवान जी के पास चले गए, तो यस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या मिस्टर राम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यस, एक और मोर पार्टीज की इच्छा पर चलता है, किसी के ऊपर गन रखकर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो करा सकते हैं लेकिन वो बंदा अगर चाहे, वो पर्सन अगर चाहे, यस ही कैन गो टू द कोर्ट, यस, और उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से रोक सकता है, लेकिन अगर वो नहीं जा रहा है तो यस कुछ नहीं हो सकता, देन इट विल बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टी की इच्छा पर है।
कह लिखा हुआ है द अदर पार्टी इज नॉट बाउंड, और चूज कर सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते, या तो तोड़ सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जिसकी लॉ ने ही मना किया हुआ है, हमें जिस बारे में लॉ ने ही कहा हुआ है कि आप ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यस दे विल बी कॉल्ड एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल दे रखा हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मूवीज में भी दिखाते ना, ले रहे हैं कोकेन, चरस, यस दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिगार्डेड एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। यस आप सप्लाई करते हैं क्या ब्राउन शुगर, नार्कोटिक्स, ये सब देते हैं तो यस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो ए एग्रीज टू सेल नार्कोटिक्स टू बी, लिखा भी हुआ है, स्टिल इलीगल है, चाहे सब कुछ क्यों ना हो, सारे एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अगर ऑब्जेक्ट ही बेकार हो गया तो यस इनको क्या बोला जाता है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको लास्ट क्लास में बताया था void ab initio, ध्यान रखना है बच्चों, void ab initio मतलब ऐसा कोई भी काम जो स्टार्टिंग से ही जीरो है, जो स्टार्टिंग से ही जीरो है उसको बोलते हैं void ab initio। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। यस वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, आपको बताया कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, लास्ट क्लास में बताया था लिमिटेशन एक्ट, कोई भी पर्सन ने लोन लिया 3 सालों तक उसकी वैलिडिटी है, जिस दिन वो मना कर देता है 3 सालों के अंदर अंदर हम उस पर केस कर सकते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम लिमिट को क्रॉस कर देता है तब कोई भी पार्टी किसी पर केस नहीं कर सकती है। दैट इज द टेक्निकल टर्म में बताया गया है कि ये टेक्निकल कुछ डिफेक्ट है, राइटिंग में नहीं है, साइन नहीं है, डेट नहीं उस पर, यस दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने किया कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। क्लियर? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक हमने पढ़ा जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी। नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। यस वो क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन पर जो बेस्ड है फॉर्म किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं अभी बात करते हैं। नंबर एक क्या बच्चे बोलो है, बोलो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बोलो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपसे कहा मुझे अपनी गाड़ी दो 2 लाख रुपए में, मैंने आपसे कहा मुझे अपनी गाड़ी देंगे 2 लाख रुपए में, आपने कहा यस एक्सप्रेस, मैंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। आप अपने अंदर ही फीलिंग को रखे रखेंगे उसका कोई यूज नहीं है, यू हैव टू एक्सप्रेस वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं आपको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आप कर पाएंगे। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें कुछ बोला जाता है या बताया जाता है साफ साफ एकदम क्लियर तरीके से आपको बताया जाता है कि ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहलाते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, यस ए पर्सन सेंड्स अ टेक्स्ट फ्रॉम हिज फोन टू पर्सन बी प्रपोजिंग सेल हिज कार फॉर अ कॉस्ट ऑफ 20,000, बी कॉल्स द फर्स्ट पर्सन एग्रीज टू टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस। मतलब क्या, ए ने कहा बी को, किस पर, फोन पर, कोई बात नहीं फोन पर टेक्स्ट लिखा, आजकल तो टेक्स्ट ही चलता है, टेक्स्ट और व्हाट्सएप, टेक्स्ट लिखा कि यस मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूँ कितने रुपए में, 20,000 में। बी ने कहा ओके आई एम रेडी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ए ने क्लियरली बताया, यस क्लियरली बताया, बी ने भी क्लियरली अंडरस्टूड किया, तो यस दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मानेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें सारी शर्तें बताई जाती है, क्लियरली स्टेट किया जाता है, क्लियरली बताया जाता है। So, now, आ जाइए फटाफट, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस आर क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली स्टेटिंग मतलब क्लियरली बताई जाती है, ईदर ओरली और इन राइटिंग, या तो ओरल में बताओ या राइटिंग में बताओ, नॉर्मली आपके राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड किए जाते हैं। सो द मेन एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेस्ड क्लियरली, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, एक्सप्रेस्ड क्लियरली आपकी टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो क्या है, अच्छे से बताई गई है, अच्छे से क्लियर है दूसरे पर्सन को जिसको आप ऑफर कर रहे हैं, और वो भी जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसको भी,
सारी बातें क्लियर है, जैसे एग्जांपल में आप लोगों को बताया। क्लियर, दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, बातें अच्छे से बताई जानी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, बातें अच्छे से बताई जानी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में और कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। चलिए, दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल दिया हुआ है जो ऊपर, एट द टर्म्स हैव बीन स्टेटेड क्लियरली इन ओरल एज वेल एज रिटन फॉर्म। क्लियर, नोट दैट कम्युनिकेशन कुड बी एंटायरली ओरल और रिटन, कैसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट बच्चों बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो डे टू डे बेसिस पर आप लोग करते हैं, डे टू डे बेसिस पर आप लोग करते हैं एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी पंच लाइन है जो आपको ध्यान रखना, क्या पंच लाइन ध्यान रखनी है, क्या लिख रहा हूं, ना भूले तुम ना मैंने कुछ कहा, ना भूले तुम न मैंने कुछ कहा, और देखते देखते कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ध्यान से, ना बोले तुम न मैंने कुछ कहा, इसी लाइन को भी क्लियर करते हैं, ध्यान सुनेगा बच्चों। सपोज आप, आपके घर के पास में कोई, वी कैन से जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर है, ठीक है ना, सपोज कोई प्रोविजन, आप जाते हैं वहां पर मैगी लेते हैं 20 रुपीज का पैक, सिंपल 20 रुपीज का पैक आप लेते हैं, 20 रुपीज अंकल जी को देते हैं जो शॉप के ओनर है, और चुपचाप आ जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, आप शॉप पर जाते हैं, मैगी को लेते हैं और उनको 20 रुपीज देते हैं, और घर पर आ जाते हैं और 2 मिनट मैगी नूडल्स खाते हैं, मस्त मजा लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? यस, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 100% कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने पेमेंट दिया, सामान लिया, यस, दो पार्टी थी, यस, 100% थी, बिल्कुल सारी वैलिड थी, सब बातें इसमें समझी जाएंगी, यस, तो क्या कहा गया, लेकिन इसमें आप बोले नहीं, एक वर्ड भी बोले नहीं, बोले अंकल जी कुछ बोले नहीं, बोले क्या फिर भी सर ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? श्योरली 100% ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बोलने की नीड नहीं, जिसमें बोलने की नीड नहीं, केवल पार्टीज के कंडक्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पार्टीज के कंडक्ट, आचरण व्यवहार से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, सपोज यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ऑटो में बैठे हुए हैं लोग, सिंपली आप देखते हैं, एग्जाम्पल, फरीदाबाद टू बल्लभगढ़, फरीदाबाद टू सेक्टर 3, फरीदाबाद टू ओल्ड फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद टू बॉर्डर जा रहे हैं, ठीक, बॉर्डर 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 ऐसे बोलते हुए आ रहे हैं ऑटो वाले, और आप उसमें बैठ जाते हैं, आप बोर्ड कर लेते हैं रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जैसे ही वो आपके डेस्टिनेशन पर आपको उतारता है, आप उनको 10 रुपीज 20 रुपीज वट एवर द फेयर इट इज, नो प्रॉब्लम, आप उनको देते हैं और अपने चले जाते हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? 100% ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि आप भी बोले नहीं और ड्राइवर भी बोला नहीं, लेकिन दो पार्टी थी, कंसिडरेशन था, ये बिल्कुल सब बातें थी, बिल्कुल थी, क्लियर, लीगल था, बिल्कुल लीगल था, ऑब्जेक्ट भी लीगल था, इनलीगल कुछ नहीं था, क्लियर, ओके चलिए, तो क्या कहा गया, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट, यस, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कहा नहीं जाए, फिर ध्यान रखिएगा, अगेन कुछ कहा नहीं जाए मतलब क्या हो, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, लिख लेना बच्चों इस लाइन को, ध्यान रहेगा हमेशा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, कुछ भी नहीं बोलते, ना तुम बोलते हो ना हम बोलते, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के बोले बिना ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं, तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्या, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 9 डिफाइंस दैट व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब थोड़ा सा और बता देता हूं, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है,
इम्प्लाइड का मतलब होता है बच्चों कि कुछ कहा नहीं जाए, जस्ट उसको मान ले जाए, समझ ले जाए कि यस ये फीचर इन्वॉल्व हो गया है, इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है। सपोज मम्मी से आप पूछते हैं घर पर, मम्मी आज खाने में क्या राजमा चावल बने हैं? मम्मी ने कहा यस, तो ये एक्सप्रेस हुआ कि इम्प्लाइड हुआ? श्योरली एक्सप्रेस हुआ, क्लियर। ये क्या हुआ? श्योरली एक्सप्रेस, मम्मी ने आपको बताया, मम्मी ने आपको बताया। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एक्सप्रेस। इम्प्लाइड जिसमें आप कुछ बोले नहीं, ध्यान से सुनना, जिसमें आप कुछ बोले नहीं। सपोज सपोज कोई मैरिज होने वाली है, ध्यान सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई मैरिज होने वाली है, तो मैरिज होने से पहले, मैरिज ने एंगेजमेंट होने वाली है, मैरिज से पहले एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट होने वाली होती है, एक बॉय एंड गर्ल आपस में मिलते हैं, फैमिली फैमिली कस्टम है, दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना, समोसे पकौड़े चाय सब खाते हैं, ठीक है, लड़की लेकर आती है, ये चाय लड़की ने अपने हाथों से बनाई है, ये पकौड़े बच्चे अपने हाथों से बनाए हैं, है ना। नाउअडेज तो ऐसा होता है, आज से 5-6 साल बाद गया होगा, ये चाय समोसे इस लड़के ने अपने हाथों से बनाए हैं, क्योंकि टाइम इज चेंजिंग ना, समय बदल रहा है, ध्यान सुनना। क्या कहते हैं, अब वो देख कर चले जाते हैं एक दूसरे को, यस, लड़की से पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लड़की से पूछा जाता है क्या आपको लड़का पसंद है, लड़की चुप, नीचे मुंह कर कर बैठ जाते हैं, क्या आपको लड़का पसंद है? अगर ये चुप है तो इसका मतलब क्या है? यस शी हैज कंसेंटेड टू दैट, उन्होंने उसको यस किया है, बोला कुछ नहीं है, बोला कुछ नहीं है, लेकिन क्या किया है? यस किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? सिंपल सिंपल टर्म बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग लेकर गया हूं, सिंपल टर्म से बता रहा हूं, एक नॉर्मल टर्म में ऐसा अगर होता है तो यस, घर वाले क्या समझ सकते हैं? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड क्या होगा कि लड़की की तरफ से यस है, लड़की की साइड से यस है, शी इज नॉट रिजेक्टिंग, दैट्स व्हाई शी इज अंडरस्टूड, शी इज एक्सेप्टिंग, वो रिजेक्ट नहीं कर रही है, तो यस इट इज क्लियरली अंडरस्टूड, वो एक्सेप्टेंस दे रही है। सो इम्प्लाइड वर्ड्स को यूज नहीं करना, वर्ड्स में नहीं बताया गया, लेकिन अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ऐसा पता चल गया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस जो है वो पूरा कर दिया गया है या पूरा किया जाना है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एग्जांपल मैगी, लिख लेना बच्चों एग्जांपल, अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, एग्जाम्पल मैगी, ऑटो रिक्शा और ठीक है, थर्ड नंबर का भी आपको बताइए, चलिए एग्जांपल आपने पढ़ लिया, चलिए क्या कहता है, इन सो फार एज सच प्रपोजल और सेंटेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के बिना ही किया जा रहा है, द प्रोमिस इज सेड टू बी एम्प्लाइड, यस। एग्जाम्पल आपको बताया, ना बोले तुम ना मैंने, सिर्फ ये बच्चों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, आपको एग्जाम में कभी नहीं लिखाना है, एग्जाम में आ रहे तो लिखो कहीं वहां पर, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, टीचर वहीं पर मार्क्स आपके कर देगा एकदम मस्त, तो ध्यान रखना है, ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, तो यस आपको ये कीप इन, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, कि ऐसे वाले कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम कुछ बोलते नहीं है। और एक एग्जाम्पल, सपोज आप यहाँ से जयपुर जाते हैं, क्लियर, आप बस में बैठते हैं, पेमेंट देते हैं और कंडक्टर आपको टिकट देता है, अंडरस्टूड, सिंपल, आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 100% हो गया, नो टेंशन, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मेरे साथ साथ बोला करो बच्चों, तभी अच्छा लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट आता रहेगा और चीजें याद होती रहेंगी, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, क्लियर। तो ऐसी बातें आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, तो क्लियर, नेक्स्ट क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं? क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट हम करना तो नहीं चाहते, क्या करें, सर करना नहीं चाहते तो कैसे चाहता है, बड़ी अच्छी बात है, हम करना तो नहीं चाहते पर हो जाता है, करना तो नहीं चाहते पर
लॉ इम्पोज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ। अभी बात करते हैं इम्पोज्ड बाय लॉ कैसे हो सकता है। सपोज एग्जांपल देता हूं सो दैट विल बी क्लियर। मैं रास्ते में जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर एक्स जो है जा रहे हैं, कहां पर रास्ते में जा रहे हैं, मस्त तरीके से बाइक चला रहे हैं, एक्स जो है बाइक पर जा रहे हैं अच्छे से। जिंदगी एक सफर है, सुहाना गाना गाते हुए अच्छे से गा रहे हैं, रास्ते में ही मेट विद एन एक्सीडेंट। नोट कर लीजिएगा बच्चों, साथ साथ ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहां पर, ऑन द वे, रास्ते में हो गया। और मिस्टर एक टी खड़े थे यहां पर, उन्होंने देखा मिस्टर एक्स जो है गिर पड़े, गिर गए बेचारे, उनको लग गई चोट, उनको हो गई इंजरी, उनको हो गई इंजरी, और वो क्या हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, मतलब बेहोश हो गए। सिंपल, कौन, मिस्टर एक्स। दान सुनते बच्चों, बहुत अच्छा है। मिस्टर एक्स बाइक पर जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, यस, और उनको लग गई चोट और वो बेहोश हो गए। मिस्टर टी देख रहे थे, मिस्टर टी जल्दी से गए और फटाफट से मिस्टर एक्स को लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए। क्लियर। अब एक्स को उन्होंने किसको दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, यस, उनको अच्छे से स्टिचिंग किया, चोट लग गई थी, उनको मेडिसिन दी, सब कुछ दिया, ठीक है। इवनिंग में उनको चोट लगी, मॉर्निंग में उनको होश आया, किसको, मिस्टर एक्स को, मॉर्निंग क्या आया, होश आया, कब आया, अब जब होश आ गया, डॉक्टर ने चेक किया, यस यू आर परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, थोड़े से दिन लगेंगे, अब आप घर जा सकते हैं, मिस्टर डॉक्टर ने ऐसा कहा, किसको कहा, मिस्टर टी को। उन्होंने कहा ओके सर, मिस्टर एक्स जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, डॉक्टर जी ने क्या कहा, सर ये लीजिए आपकी 10,000 रुपीज की आपकी फी, जो आपको मुझे पे करनी है, ध्यान सुनना बच्चों, जो आपको मुझे पे करनी है, किसने कहा, मिस्टर डॉक्टर ने किसको कहा, मिस्टर एक्स को कहा, जो भी आपको मुझे फी पे करनी है 10,000 रुपीज। एक्स नाराज हो गए, क्यों देनी है, मैंने क्या आपसे कहा था, मेरा इलाज कीजिए, मुझे ठीक कीजिए, मुझे स्टिचिंग कीजिए। डॉक्टर ने कहा हेलो मिस्टर, ज्यादा समझदार नहीं बनिए, बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन जान बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्राइम ड्यूटी है, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस आपके लगेंगे वो तो आप ही बियर करेंगे ना, वो तो आपको ही देने पड़ेंगे ना। एक्स ये पेमेंट देने से मना कर देता है। डॉक्टर चले जाते हैं कहाँ, कोर्ट में। कहाँ चले जाते हैं डॉक्टर, कोर्ट में चले जाते हैं। अब कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है मिस्टर एक्स को, यस आप बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही थी, ये बात सच है, लेकिन मिस्टर डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया है, आपके वेलफेयर के लिए किया है, आपकी जान बचाई है, तो यस इट्स your duty to pay them, it's your duty to pay them, लिखिए फटाफट से, it's the duty of Mr. X to pay them, it's the duty of Mr. X to pay to the doctor, so अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया कि Mr. X जो है मिस्टर डॉक्टर को पेमेंट करेंगे। नाउ अब इट विल बी कॉल्ड एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। चाहा तो नहीं मिस्टर एक्स ने, भी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो, मिस्टर डॉक्टर ने भी नहीं चाहा था कि ऐसे कोई पेशेंट मेरे पास आए, लेकिन कुछ हुआ, क्या हुआ, इम्पोज्ड बाय लॉ हुआ, तो यस उनको पे करना पड़ेगा, तो दीज आर कॉल्ड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल टर्म। टी को क्या मिलेगा, टी को कुछ नहीं मिलेगा, अगर टी ने अपनी तरफ से डॉक्टर को पेमेंट कर दिया 10,000 का, तो यस नाउ टी इज एंटाइटल्ड टू टेक पेमेंट फ्रॉम एक्स।
अदरवाइज ती हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए, सिंपल सिस्टम वहीं पर ओके हो जाता है। चलिए आपको और बता देता हूँ, नाउ इट इज कोई इश्यू नहीं है, आपको किसी को चोट लग जाती है भगवान ना करे, तो आप रास्ते में देखते एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाइए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। यस, नो क्वेश्चन विल बी आस्क, कोई नहीं पूछेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कौन या कौन, आपका नंबर तक शेयर नहीं किया जाएगा अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपका नंबर तक शेयर नहीं किया जाएगा। सो प्लीज हेल्प कीजिए जितना हो सके, क्लियर। चलिए बात करते हैं, तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने पढ़े, ये वाले कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हुए बच्चों क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम करना तो नहीं चाह रहे लेकिन हो गए हैं, तो इम्पोजिशन बाय लॉ हो गई, लॉ ने उसको इम्पोज्ड कर दिया, क्लियर। चलिए बात समझते हैं, आ जाइए क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट लिखिए फर्स्ट लाइन, इम्पोज्ड बाय लॉ, फटाफट से लिखिए इम्पोज्ड बाय लॉ, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग इन द सेंस बट दैट नो एग्रीमेंट आर मेड बिटवीन एनी ऑफ द पार्टी, कोई एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में नहीं हुआ है, नो एग्रीमेंट आर देयर, यस मिस्टर एक्स और डॉक्टर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, नो एग्रीमेंट इज देयर, क्लियर। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू सम कोर्ट ऑर्डर, यस कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया अब तो ये मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से, ए बैंक मिस्टेकली ट्रांसफर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट, बैंक ने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गलती से, करने थे मिस्टर राम के अकाउंट में लेकिन आपका नाम है मिस्टर रामा, गलती से ए प्रेस हो गया, आपके अकाउंट में चले गए, सीरियल नंबर भी उनके बाद ही था बस, ठीक है, उनका 41 था, आपका गलती से प्रेस हो गया, यस चले गए। अब चले गए, एक बार पैसे जा तो सकते हैं लेकिन निकलेंगे तो, अब ये रामा की मर्जी से ही ना, जब रामा चाहेंगे तभी अकाउंट से पैसे वापस आएंगे, तो क्या ये रामा चाहते थे मेरे अकाउंट में पैसे आए, कभी नहीं, क्या बैंक चाहता था रामा के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जाएं, कभी नहीं। अब अगर रामा प्यार से पेमेंट दे देते हैं बैंक को तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर रामा बैंक को पेमेंट आराम से नहीं देते हैं तो यस रामा कहाँ जाएगा, और सॉरी बैंक कहाँ जाएगा, बैंक जाएगा सीधा कोर्ट, अब कोर्ट मैटर को देखेगी, पूछेगी 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया, मिस्टर रामा से, बोले बैंक से आया, बोले क्यों आया, वो कहेगा वो गलती से आया, तो बोले पैसे किसके हैं, बोले बैंक के, तो बोले आपका क्या है, बोले कुछ नहीं, तो पैसे वापस दो, यस सर, तो रामा को पेमेंट वापस देनी पड़ेगी, किसको, 100% बैंक को देनी पड़ेगी, ऑर्डर किसका आ जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, ओके। चलिए, यू हैव टू रिटर्न द मनी इवन इफ यू डोंट वांट टू, यस आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे तब भी, अगर आप नहीं चाहते हैं तब भी, यस क्योंकि डिसीजन किसका आना है, कोर्ट का आना है, द बैंक विल अप्रोच द कोर्ट एंड कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर, यस कोर्ट इशू कर देगी ऑर्डर को और आपको पेमेंट देना पड़ा। ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या कहे जाएंगे, क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट ही कहे जाएंगे, क्या इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉट्स ऑफ एग्जांपल आते हैं, क्लियर, आई थिंक सो, अंडरस्टूड हो गया बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है, ध्यान सुनना बच्चों, ये एग्जांपल आपको केवल रीड करना है घर पर आराम से, जस्ट रीड इट And clear me the sense of it, कि इसका क्या मतलब है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप सबके पास नंबर है, लिख करके, मैं इस क्लास से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ, जस्ट सेंड मी ए मैसेज कि मैंने इसका मतलब ये समझा है, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल्सो एंड एज वेल एज फॉर मी, कि यस आप लोगों ने पढ़ाई किया है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे तो ये बात का हमारा टॉपिक है लेकिन अभी हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, हमारी बुक में दिया हुआ था, हम इसको पढ़ते हैं। यस द कोर्ट यूजली एनफोर्स व्हाट इज नोन एज क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है, एज मच एज इज डिजर्व्ड, मतलब जितना काम किया है उतना पेमेंट तो मिलना ही चाहिए, जितना भी काम किया है उतने सर्विसेज के लिए तो आपको रिमुनरेशन मिलना ही चाहिए। ध्यान सुनना बच्चों, सपोज आपने अपने घर पर प्लम्बर जी को बुलाया, मिस्टर प्लम्बर, कौन, मिस्टर प्लम्बर तो समझते ना,
जो आपकी टैब ये सब ठीक करते हैं, ठीक। आपकी घर में फोर टैप्स ठीक करनी थी, ठीक। लेकिन फोर टैप्स को ठीक करने के लिए मिस्टर प्लम्बर ने आपसे चार्ज करने के लिए कहा 250 रुपीज पर टैप। तो कितना रुपये होगा? 250 रुपी पर टैप, मतलब 1000 रुपी उन्होंने कहा कि मैं कर देता हूँ चारों टैप, और आपसे मैं कितना पैसे लूंगा? 1000 रुपी आई विल चार्ज। यू सेड ओके, नो प्रॉब्लम। उन्होंने 2 टैप ठीक कर दी, ध्यान सुनिएगा, मिस्टर प्लम्बर ने 2 टैप ठीक कर दी और उनके पास फोन आ गया। हेलो, उनके घर से फोन आ गया, देयर इज सम इमरजेंसी, प्लीज घर जल्दी आइए मिस्टर प्लम्बर। तो मिस्टर प्लम्बर ने क्या कहा? आपसे कहा कि जी मुझे पेमेंट दे दीजिए, मुझे पेमेंट दे दीजिए। आप क्या कहते हैं, काम तो पूरा किया ही नहीं, काम पूरा कीजिए, पेमेंट ले जाइए। तो मिस्टर प्लम्बर कहते हैं ठीक है मैम, कोई बात नहीं, काम पूरा नहीं किया है, जब मैं पूरा कर दूंगा तब पूरी पेमेंट दे दीजिएगा, लेकिन जितना मैंने काम किया है उतनी पेमेंट तो दीजिए प्लीज। अब कितना काम किया है? 250 × 2 टैप ठीक किया है, 500। He is entitled for 500, लेकिन आप उसको मना करते हैं अगर नहीं हम आपको 500 भी नहीं देंगे, तो यस ये समस्या वाली बात हो जाएगी। ये क्वांटम मेरिट को फॉलो नहीं कर रहे हो बात हो जाएगी। वो बंदा कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और यस वो आपसे एक्स्ट्रा, वो आपसे पेमेंट 500 मांग सकता है। बिकॉज वो केवल किस अमाउंट को मांग रहा है? जो काम उसने किया है उसी के लिए पैसे मांग रहा है, जो काम उसने नहीं किया है उसके लिए ही इज नॉट डिमांडिंग द मनी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मीनिंग आपको दिया भी हुआ है, आप अच्छे से अपनी बुक में हाईलाइट भी कर लेना, एज मच एज इज डिजर्व, जितना काम किया है उतना तो मिलेगा ही। देख लिख लीजिएगा यहाँ पर, जितना काम किया है उतना तो देना बनता है, सिंपल। जितना काम किया है उतना तो देना बनता है, क्लियर। मिस्टर प्लम्बर ने क्या किया? 2 टैप्स ठीक किए, कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 4 टैप्स, पर कोई टेंशन नहीं, जितना काम करते हैं उतना ही पेमेंट आपको दिया जाना, मिलना भी चाहिए, और दूसरे पर्सन से वो मिलना भी चाहिए। और आप अगर किसी से ऐसा काम करवाते हैं अपने घर पर, तो यस यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्लियर। बात करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस का, हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक क्वांटम मेरिट का डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत सारा वहां पर आएगा, तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा एक मैंने वीकेंड से इंट्रोडक्शन दिया है कि ये क्या होता है क्वांटम मेरिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। आजकल तो बहुत सारे यही चलते हैं, आजकल की डेट में, आज की डेट में लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर, कौन से? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट? जो इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। आप अपने मोबाइल ऑर्डर करते हैं क्या? अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिंत्रा, ऐसा बहुत सारे ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो भी सामान चाहिए अपन फटाफट मोबाइल खोलते हैं, टिक 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 चेक किया, यस ऐड टू कार्ट किया, जस्ट पेमेंट किया, और इट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 10 डेज, ऐसा लिखा रहता है, विद इन 1 डे इफ़ यू आर ए प्राइम मेंबर, यस यू कैन गेट इट विद इन 1 डे, नो प्रॉब्लम। फ्लिपकार्ट पे भी ऐसे किया, सब कुछ ऐसे किया। ऑनलाइन जो शॉपिंग आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कहे जाएंगे? बिल्कुल कहे जाएंगे, 100% कहे जाएंगे, दे आर अंडर द प्रव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है? 2 पार्टीज होते हैं, यस। लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, यस। कंसिडरेशन होता है, यस। अगर जो चीज आपने मांगी है चीज वैसी नहीं आती, तो यस यू कैन रिटर्न इट बैक, यस।
फिर भी पार्टी मना करती है, तो यस यू कैन सू देम, यू कैन सू देम, आप उन पर केस कर सकते हैं, यस 100% केस कर सकते हैं। तो ऐसे वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन ऑफ लीगल क्रिएशन आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, तो यस ये क्या हुए, ई कॉन्ट्रैक्ट हुए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों पहले थोड़े बहुत इन कॉन्ट्रैक्ट में समस्या भी हुई है, क्या मंगवाया जाता है सैमसंग, आ जाता है माइक्रोमैक्स का फोन, तो यस पार्टी कैन रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकती है, अगर नहीं मानते हैं फ्लिपकार्ट वाले या अमेज़न वाले, तो यस यू कैन सू द पीपल श्योरली, यस इट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या मीनिंग हुआ, ई कॉन्ट्रैक्ट का, इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यूज किया जाए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, इट मे बी फोन, इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी मैकबुक, इट मे बी एनीथिंग, बट यूज होना चाहिए, क्लियर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर कर और डेटा को इंटरचेंज करते हैं, डेटा को इंटरचेंज कैसे करते हैं, आप अपना नेम उसमें लिखते हैं, लिखते हैं ना जब भी ऑर्डर करते हैं, आप अपना एड्रेस लिखते हैं, यस पूरी डिटेलिंग देते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन तो होती होती है, प्लस में पेमेंट भी करते हैं, पेमेंट यू कैन चूज, क्या एडवांस भी पेमेंट कर सकते हैं, यस और कैश ऑन डिलीवरी भी लेते हैं, तो यस बोथ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कॉल्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द कैटेगरी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट। चलिए पढ़ते हैं ध्यान से, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसके तौर तरीके, मींस उसका तरीका, उसको कैसे, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म, आजकल का जमाना शॉर्ट फॉर्म का है, ई कॉन्ट्रैक्ट, यस। द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड डिवाइसेज में इंक्लूड ईमेल्स, यस, टेक्स्ट, टेलीफोन, डिजिटल सिग्नेचर, व्हाटएवर, यस यू कैन यूज एनीथिंग, दे आर ऑल्सो नोन एज साइबर कॉन्ट्रैक्ट, साइबर एक्ट है हमारा, आई टी एक्ट आया था बच्चों 2000 में, जब IT का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, इन दैट केस IT एक्ट बनाएगा कि यस कोई गलत काम करता है IT को यूज कर किसी का मोबाइल डेटा को हैक कर लेते हैं, यस बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो यस क्या उनको पेनालाइज किया जा सकता है, यस पेनालाइज किया जा सकता है, 3-3 साल के लिए जेल में भी भेजा जा सकता है, कितने साल के लिए, विदाउट परमिशन किसी के डेटा को आप देख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा कर रहे हैं और उस पर्सन ने आप पे कंप्लेंट कर दी, यस तो अकॉर्डिंग टू IT एक्ट पनिशमेंट मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स तक जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा किसी का भी फोन ऐसे नहीं देखिएगा। चलिए तो क्या कर रहे हैं, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक EDI कॉन्ट्रैक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं, यस सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, यस 10 डेज मनी बैक गारंटी, यस इफ यू पे यूजिंग HDFC कार्ड यू विल गेट डिस्काउंट 10%, ऐसी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर लिखी होती हैं, एंड यू एग्री टू द टर्म, यू अग्री टू द टर्म, ऑफर दिया हुआ है, यस सबके लिए दिया हुआ है, यस आप उनको लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, यस इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट 100%। इन कॉन्ट्रैक्ट की भी पूरी वैसी ही वैलिडिटी है जैसे नॉर्मली हम पेपर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी करते हैं, ओके चलिए इतना ही है आज के लिए बस अभी, लेकिन उसको करने से पहले, क्लास को ओवर करने से पहले हम एक बार रीड तो करते हैं जो भी हम लोगों ने पहले आज पढ़ाई की है, क्लियर, जल्दी से आ जाइए। हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला नंबर एक्सप्रेस में सब कुछ अच्छे से बताया गया हो, क्लियरली स्टेट किया हो, क्लियरली समझाया गया हो, ओरली या राइटिंग में कुछ भी बताया गया, यस दे विल बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, यस आपने रिक्शा बोर्ड किया, आप पहुंचे, आपने पेमेंट दिया, अलाउड, सिंपल, आप मैगी लेने के लिए प्रोविजन स्टोर पर गए, यस अलाउड, यस आप ऐसे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें आपको कुछ भी नहीं कहना है, कुछ
कहना नहीं है. तो यस, दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द पार्टी विलफुली. लिख लीजिए, नॉट क्रिएटेड बाय द पार्टीज विलफुली. दोबारा सुनिएगा बच्चों ध्यान से, मैं आपको कहता हूँ लिख लीजिए. अगर आप लिख लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे हैं कोई टेंशन नहीं, समरी नोट्स आपको दिए जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होते ही आपको समरी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही तो आपको समरी चाहिए. पहले तो आपको चीज़ों को अंडरस्टूड करना होगा, अच्छे से डिटेल समझना होगा, लेकिन उसके बाद आपको एक समरी मिल जाएगी. समरी में आपको बस देखते ही क्लियर हो जाएगा. ओके, सो अगर आप लिखेंगे दैट विल बी बेटर टू यू, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, समरी नोट्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोल रहा था, जो मुझे आपको बतानी है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या करना है. ध्यान से एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर 100%. सपोज मैंने आपकी क्लास ली ट्यूजडे को, इलेक्ट्रिसिटी हुआ कब? ट्यूजडे को. सपोज एक मोटी मोटी बात कर लेते हैं 9 AM, आप यू रिसीव ए लेक्चर, क्लियर है? आपने क्या लिया? लेक्चर लिया, क्लास अटेंड किया, ऐप पर देखी, क्लास अटेंड की, उसके बाद आप हमने अपनी नोटबुक खोली, साथ साथ में नोटबुक तो पढ़ी, आपने नोटबुक देखी, ओके ओके ओके, साथ साथ पढ़ते हुए रहे, क्लास ओवर हो गया. सपोज 9 AM पर क्लास मिली, मैक्स टू मैक्स 10 AM, ठीक है? मैक्स टू मैक्स कितने एम तक होगी? 10 AM तक आपकी क्लास क्या हो गई? ओवर हो गई. अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान सुनने का. अब पढ़ाई यहाँ स्टार्ट होती है, आप लोगों की साइड से स्टडीज यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ तक तो केवल मैं ही पढ़ा रहा था, मैं ही आपको टीच कर रहा था, मैं ही आपको समझा रहा था, लेकिन अब आपका नंबर है, अब आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है, यूनिक सब्जेक्ट है. इसको यहाँ पर अच्छे से दिमाग में आपके फिट हो जाए, इसके लिए जो स्टडी प्लान में समझा रहा हूँ आपको वही फॉलो करना. तो ध्यान से देखिएगा, सपोज ट्यूजडे को मैंने बोला 9 to 10 आपकी क्लास ओवर हो गई, आपको क्या करना है? आपने क्लास के साथ तो एक बार रीडिंग कर लिया, क्लास जितनी पढ़ी उसमें आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, और नहीं भी की तो कोई बात नहीं, क्लास तो सुना. उसके बाद क्या कीजिएगा? 10 AM पर क्लास ओवर, आप एक बार जो क्लास में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उससे संबंधित जो भी आपके पास नोट्स है आप उसको एक बार रीड करना बच्चों. सिंपल रीडिंग. कौन सी रीडिंग? सिंपल रीडिंग. अगर आप कर लेना बच्चों, करना है सिंपल रीडिंग आफ्टर ओवर द क्लास, आपको सिंपल रीडिंग करनी है वन टाइम. क्लियर? कितने बजे करनी है? जब क्लास ओवर हो जाए तभी आपको 10 to 15 minutes वहां पर देने हैं, एंड इट विल बी ओके, सफिशियंट ओके. एक घंटे का क्लास है, 10-15 minutes में आप एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा. नॉर्मली जितने भी चीज़ हम लोग आपको पढ़ाते हैं, एक इससे ज़्यादा समय कभी भी लगता है. मैक्स टू मैक्स वी कैन से 15 minutes आप देते हैं सेम डे, किस दिन? ट्यूजडे को. ध्यान सुनते ना बच्चों, प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट जो आपको फिर से रीडिंग करनी है, अगेन आपको रीड करना है किसको? जो भी हम जिस जो भी क्लास हमने लिए जिसमें हमने 15 minutes अभी डिवोट किए हैं, एक रीडिंग करें ना आप बिफोर स्लीप, रात को सोने से पहले एक रीडिंग और कर लीजिएगा. कितने? एक रीडिंग, तो दूसरे नंबर की रीडिंग हो जाएगी आपकी सेकंड रीडिंग. पहले क्या हो गई? फर्स्ट रीडिंग. फिर क्या हो गई? सेकंड रीडिंग. मैं आपसे पूछूं बच्चों कि जो आपने 15 मिनट्स पहली क्लास में दिए थे, जो पहले आपने रीडिंग की थी 15 मिनट्स की, अगर आप उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, सेम चीज सेम बात सब कुछ, कितना टाइम लगेगा? सर हाफ एन आवर लग जाएगा. हाफ एन आवर लग जाएगा, हार्डली 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स विल बी देयर. क्लियर? डन. तो ट्यूजडे ओवर. अब आता है क्या? ट्यूजडे इज ओवर, आपकी रीडिंग कितना हो गया? 2 times यू हैव डन दैट. नेक्स्ट आता है बच्चों वेडनेसडे. क्या आता है? जल्दी से अब आपको क्या करना है? इस दिन भी विद इन 24 आवर,
विद इन 24 आवर, मतलब अप टू 10, आपको क्या करनी है, फिर से थर्ड रीडिंग करनी है। या आप चाहे तो नोट कर लेना 100%, थर्ड रीडिंग करनी है। उसमें कितना टाइम जाएगा, पहले 15 फिर 10, मैं कहता हूँ 10 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, फिर भी हम एक बार मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स। पहले में 15 मिनट्स, अगेन 10 मिनट्स, नेक्स्ट इज 10 मिनट्स, क्लियर डन। फिर आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, उसी दिन सेम डे आपको बिफोर स्लीप नाइट में सोने से पहले एक रीडिंग और करनी है। कितना, क्लियर, फोर्थ रीडिंग में कितना मैं फिर मान कर चलता हूँ बच्चों, कोई बात नहीं, 10 मिनट्स मैक्सिमम लेता हूँ। बस आपको केवल ये काम करना है, कोई भी कंटेंट जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको रटना कुछ नहीं बच्चों। जैसा आप 12th क्लास में अगर करते हो तो बड़ी अच्छी बात नहीं होती है, कोई बात नहीं, वो 12th क्लास था, नो प्रॉब्लम। अभी आपका प्रोफेशनल एग्जाम है तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट रीडिंग किया ट्यूजडे बिफोर स्लीप 10 मिनट्स दिए आपने, टोटल मिलाकर 25 मिनट्स दिए, किस दिन, ट्यूजडे, वेंसडे आपने फिर से दिए वेंसडे को 20 मिनट्स, क्लियर, टोटल कितना हुआ 25 प्लस 20 45, आप लोगों ने क्या दिए के सब्जेक्ट को, कितना देर, केवल 45 मिनट्स। एक तो क्लास ली, उस अदर देन दैट क्लास टाइमिंग आपने टोटल 45 मिनट्स सब्जेक्ट को दिए। ये सब्जेक्ट बच्चों आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, ये मैं नहीं कहता हूं, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि अगर आप किसी भी चीज को बार 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 रीड कर लेते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, यस, ये आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। कोई बच्चा कहे सर मेरे को 4 बार में नहीं हो पा रहा है, तो यस, आपके पास थर्सडे है ना, गो टू द थर्सडे, ट्यूजडे और वेंसडे और थर्सडे, थर्सडे भी एक बार रीड कर लो, फिर एक बार रीड कर लो, फिर कितनी देर लगनी है, हार्डली 5 मिनट्स। तो टोटल टाइम आपका लगेगा कितना, जितनी मेरी क्लास का टाइमिंग रहता होगा ना बच्चों, उससे ज्यादा कभी भी आपको नहीं लगेगा इन 5 रीडिंग में भी, लेकिन इट विल बी परमानेंटली स्टोर्ड इन योर मेमोरी 100%, और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प रहेगा। क्लियर है, फर्स्ट रीडिंग, देन सेकंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग, देन फोर्थ रीडिंग। अगर कोई बच्चे को लगे कि 4 रीडिंग सफिशियंट एनफ नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, आप 5th रीडिंग तक जा सकते हैं। और क्या करना है, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा, आपने रीडिंग कर लिया, अब आपको पता है हमने रीड कर लिया, और तो सर हमें याद है या नहीं है कैसे पता चलेगा, जस्ट टेक ए नोटबुक, सिंपल रफ पेपर, रफ नोटबुक, और उस पर जो जो भी आपने रीड किया, बस एक बार जस्ट राइट द पॉइंट्स, जो जो भी आपको याद है एक बार लिख लीजिए, ओके डन, और फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे एक बार चेक करिए, ओके, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ आती होगी बच्चों, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और इसी टेक्निक से बहुत सारे बच्चों के हर अटेम्प्ट में बहुत सारे नंबर आते हैं, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं नहीं कहता कि हमेशा फॉलो कीजिए, अगर आपको लगे कि सर कुछ गड़बड़ हो सकती है, पता नहीं हमें याद होगा नहीं होगा, जस्ट फॉलो दिस ट्रिक ओनली फॉर 3 क्लासेस, ओनली फॉर 3 डेज, ठीक है, TTS के लिए आप सिर्फ पढ़िए, ज़्यादा नहीं, केवल 3 क्लासेस में आप इस चीज़ को रीड कीजिए, इफ़ इट गोज वेल देन कंटिन्यू, और ऐसा कभी हुआ नहीं है इट डजंट गो वेल, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।